दोस्तों, कुछ घरेलू गर्भावस्था जांच किट इतनी संवेदनशील होती है कि ये आपके शरीर में गर्भावस्था के हार्मोनों की मौजूदगी का पता माहवारी चूकने से पहले ही लगा लेती है। पॉजिटिव परिणाम पाने के लिए आपके शरीर में गर्भावस्था के हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG का स्तर इतना होना चाहिए कि उसका पता लगाया जा सके। प्रेगनेंसी जांच किट जितनी अधिक संवेदनशील होगी, उतनी जल्दी ही यह पॉजिटिव परिणाम दर्शाएगी। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपका शरीर कितनी मात्रा में HCG का उत्पादन कर रहा है, क्योंकि गर्भावस्था के प्रति हर महिला की प्रतिक्रिया अलग होती है। HCG की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, प्रेगनेंसी टेस्ट किट में उतनी ही गहरे रंग की रेखा दिखाई देगी। गर्भावस्था की शुरुआत में HCG की मात्रा कम होती है, इसलिए यह रेखा हल्की दिखाई देती है। अगर घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट में हल्की रेखा दिखाई दी है, तो हो सकता है कि आपकी जांच किट इतनी अधिक संवेदनशील न हो कि स्पष्ट परिणाम दे सके। किट की पैकिंग पर देखें कि इसकी संवेदनशीलता कितनी है। उदाहरण के तौर पर 10 MI मिली इंटरनेशनल यूनिट्स प्रति मिलीमीटर की संवेदनशीलता वाली किट से आपको गर्भवती होने का पता 25 mIUML की संवेदनशीलता वाली किट की तुलना में पहले चल सकेगा। आपको हल्का पॉजिटिव परिणाम इसलिए मिला होगा क्योंकि आपकी गर्भावस्था अभी इतनी आगे नहीं बढ़ी होगी जितना कि आपने सोचा होगा। हो सकता है आपने अपनी उम्मीद से बाद में डिम्बोत्सर्जन किया हो। शुक्राणु डिम्ब के जारी होने के इंतजार में आपके शरीर में 7 दिन तक बने रह सकते हैं, इसलिए आप कब डिम्बोत्सर्जन करती हैं, इसके आधार पर आप संभोग करने के 1 सप्ताह तक कभी भी गर्भधारण कर सकती हैं। यह भी हो सकता है कि आपका निषेचित डिम्ब उतनी जल्दी प्रत्यारोपित नहीं हुआ हो जितनी की उम्मीद हो। इसका एक अन्य संभावित कारण भी हो सकता है, जिसे अंग्रेजी में इवेपोरेशन लाइन के नाम से जाना जाता है। यह एक हल्की रेखा होती है जो टेस्ट किट में पेशाब के वाष्पीकृत हो जाने के बाद दिखाई देती है, और इसका मतलब है कि आप गर्भवती नहीं हैं। जांच किट के साथ आने वाले निर्देशों में बताया गया होता है कि परिणाम देखने के लिए कितनी देर इंतजार करना है। यदि यह हल्की रेखा इंतजार की अवधि बीत जाने के कुछ मिनटों बाद दिखाई दी है, तो संभव है कि यह केवल इवेपोरेशन लाइन है। कई बार गर्भावस्था जांच किट में खराबी होने की वजह से भी ये स्पष्ट परिणाम नहीं दे पाती, इसलिए उपयोग करने से पहले टेस्ट किट पर इस्तेमाल की अंतिम तिथि एक्सपायरी डेट चेक कर लें। यदि किट काफी समय से आपके पास रखी थी, तो यह जांचना और भी ज्यादा जरूरी है। यदि आपने टेस्ट किट को नमीयुक्त या गर्माहट वाली जगह पर रखा हुआ हो, जैसे कि बाथरूम में, तो हो सकता है यह खराब हो गई हो। अगर आपको जांच परिणाम में हल्की रेखा दिखाई दे, तो आप डिजिटल प्रेगनेंसी टेस्ट के जरिए दोबारा जांच कर सकती हैं। डिजिटल टेस्ट किट से परिणाम समझना आसान होता है, क्योंकि इनमें हल्की रेखा की बजाय स्पष्ट लिखा आता है कि आप गर्भवती हैं या नहीं। हालांकि यदि आप गर्भावस्था की जांच जल्दी करेगी, तो इनके परिणाम की सटीकता भी टेस्ट किट की संवेदनशीलता पर निर्भर करेगी। आप सामान्य जांच किट से 3 दिन बाद दोबारा भी जांच कर सकती हैं। यदि आप गर्भवती हैं और आपका शरीर सामान्य मात्रा में HCG बना रहा है, तो आपकी माहवारी की नियत तिथि के समय तक यह जांच स्पष्टतया पॉजिटिव आनी चाहिए। शुरुआती दिनों में यह इंतजार करना कि आप गर्भवती हैं या नहीं, भावनात्मक तौर पर काफी मुश्किल हो सकता है। दुर्भाग्यवश यह भी संभव है कि एक बार जांच में हल्की पॉजिटिव रेखा आने के बाद कुछ दिनों बाद दोबारा जांच करने पर परिणाम नेगेटिव आए। यदि आपके साथ ऐसा हो, तो हो सकता है कि आपका बहुत ही शुरुआत में गर्भपात हो गया हो। दुर्भाग्यवश गर्भपात होना काफी आम है और 1/4 गर्भावस्थाएं इससे प्रभावित होती हैं। इस तरह की संवेदनशील परीक्षण किट के इस्तेमाल का एक नकारात्मक पहलू यह भी है कि यह कुछ महिलाओं में झूठी आस जगा देता है। जब जांच किट हार्मोनल बदलावों के प्रति इतनी ज्यादा संवेदनशील नहीं होती थी,
तब बहुत ही शुरुआती चरण में होने वाले गर्भपातों का पता नहीं चलता था। चाहे इंतजार करना कितना भी मुश्किल लगे, मगर बेहतर यही है कि प्रेगनेंसी की जांच पीरियड्स की तय तिथि के बाद ही की जाए। इस तरह आप परिणामों को लेकर ज्यादा निश्चित हो सकती है।